कसर मीर साहब आपसे हैदराबाद जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे और उनके बाद कारी और कसैद शेर शम साहब जनाब पीर सैयद सजाद दशा आप चक शुमारी सीधा और उनके बाद आखिर में जनाब पीर सैयद आउन रजा साहब जिक्र मोहम्मद और आले मोहम्मद बयान फरमाएंगे जनाब मीर हसन मीर साहब ज़हमत फरमाएं जो अहबाब पीछे हैं मेहरबानी होगी चंद कदम आगे बढ़ाएं सलावत का सहारा लें चंद कदम बढ़ाएं एक मरतबा फिर दुरूद पढ़ लें आले मोहम्मद की ज़ात वाली أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَى إِنَّهُ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى بُلَنْ تَرْسَ لَوَاتْ رَحِيَ عَلِ مُحَمَّدْ فِي ذَاتِ اللَّهِ یا رب محمد بحق محمد شو صدر محمد بظهور الحجت یا رب علی بحق علی شو صدر علی بظهور الحجت یا رب فاطمہ بحق فاطمہ شو صدر فاطمہ بظهور الحجت یا رب الحسن بحق الحسن اشو صدر الحسن بظهور الحجت یا رب الحسین بحق الحسین اشو صدر الحسین بظهور الحجت یا رب الحجت بحق الحجت اشو صدر الحجت بظهور الحجت درود پڑھیں آل محمد کی ذات پر اجازت ہے ذکر شروع کیا جائے الحمدللہ جتنے بھی آپ تشریف فرما ہیں کافی ہیں हो सकता है पंजाब में पहला मौका है पढ़ने का नहीं मालूम है जिक्र का एक तसलसल होता है थक जाता है बंदा खाकी है थकावट हो जाती है काफ़ी अरसे से बैठे होंगे थोड़ा सा घूम फिर के फिर वापस आ जाएंगे तब तक आपने साथ देना है बेशक आप जहाँ बैठे हैं बैठे रहें लेकिन अपनी ज़बान को हरकत देनी है जिक्र के साथ सलामत रहें आवाज़ उछाद रहें किबला लियाकत समदवाना साहब हमसे पहले भी जितने बुजुर्ग ज़ाकिरीन पढ़ चुके हैं मैं इनकी जूतियों का नौकर उनकी नालैन बरदार क्योंकि जो मौला के मदा खान की अपने सीनियर की इज्जत नहीं करता वो मेंबर के अहल नहीं है और सिंध की धरती से आया हूँ एक पैगाम है वहाँ भी आले मोहम्मद के एहसानात हैं चाहे जितने बुजुर्ग आलिम या ज़ाकिर पढ़ते हैं वो अपनी मर्जी से हमसे पहले पढ़ लेते हैं कोशिश ये होती है जिक्र मकसूद है हमारा कि हाजिरी हो जाए आप सामईन आपको मैं सबक सुनाने नहीं आया इस नौकरी में अपना हिस्सा डालने आया हूँ ताकि मैदान महशर में हाफिजाबाद की सरजमीन पे की हुई नौकरी की हुई गवाही आप दे सकें और मनवाना नहीं है कोई जाकरी दावा नहीं है क्योंकि ये दर वो दर है ये दरवाज़ा वो दरवाज़ा है जहाँ बंदा खाली हाथ नीयत के साथ आ जाए मोहम्मद उसे सलमान मोहम्मद ही बना देता है खाली हाथ आ जाए जिसके हाथ में कुछ ही ना हो जिसके पल्ले कुछ ही ना हो जिसका दामन खाली हो अपनों को छोड़कर दरे ज़हरा पे जो ड्यूटी देने के लिए आ जाए उसके पास अगर कुछ भी ना हो फकत विलाय अली हो ये हम बुजुर्ग ज़ाकिरों से ही सुनते आ रहे हैं कि साईं हैसियत नहीं दे दे वो नीयत दे दे ऐसे ही ना मुझे पंजाबी नहीं आती वरना मैं पंजाबी में खिताब फरमाता टूटी फूटी उर्दू कोशिश करूंगा कि जुमलों को मिला सकूं क्योंकि मुझे यकीन उसमें उस बात के जात पर है जो जात इस बारगाह में मौजूद है मेरा मौला वली रस वली रम हुज्जत खुदा इमाम जमाना अज्जल अल्लाह ताला फर्जहु शरीफ इस बारगाह में तशरीफ फरमाए मुझे हाजिरी उनकी बारगाह में देनी है
सुनने वाले चाहे हजार हों, लाख हों या दस बंदे हों, जिक्र फिर भी उन्हीं का हो रहा है जिस जिक्र के कायनात मोहताज है। और ये जिक्र ना होता खुदा की कसम दुनिया को पता ही ना चलता कि खुदा है या नहीं, क्योंकि इस जिक्र के वारिसों ने ही बताया है कि कोई है जिसे हम भी झुकते हैं। और ये अकीदा भी इस मिंबर से जाना चाहिए, हमारा किसी नुसैरी के साथ कोई ताल्लुक नहीं, हमारा अकीदा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अलैहिल वलीउल्लाह। मजलिस अदा का सिलसिला है जो कल का रोज गुजरा है, कल का यौम जो गुजरा है, कल के रोज में किबला जिसे तिलावत फरमा रहे थे कि सादात का मरकज उसकी आमद का रोज था, आज ईसा ने सवाब की मजलिस का रोज है, तो दिल चाहती है मैं मरहूम मकफूर मोहम्मद इरफान नक्की किबला साबिर हुसैन बहल और जितने भी जुमला मरहूमीन मिल्लत तशियो के मर्दोसन ये जहान छोड़कर बारगाह मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद में अपनी नौकरी और हाजिरी दे रहे हैं उनके बुलंदी दर्जात के लिए चंद जुमले तिलावत करूँ ताकि उनके रूहों को ये सवाब पहुँचे। यकीनन उनके अरबा इस बारगाह में मौजूद हैं, तशरीफ फरमा। सैयद मुझे नहीं जानते लेकिन हम सैयद को जानते हैं, मगर आपको अल्लाह हैदरी जी जी बिल्कुल मासूम फरमाते हैं। जो मुझे वक्त मिला है इंशाल्लाह वक्त के अंदर ही जिक्र को मुकम्मल करूंगा अपनी नौकरी को। मासूम फरमाते हैं जब इज़राइल मंदे के पास हाजिर होता है, यह हर किसी की बात नहीं, मासूम फरमा रहे हैं तो अपने मोमिन की बात फरमा रहे हैं कि जब इज़राइल इज़्न लेकर अमीरुल मोमिनीन की नालेन से बोसा देकर मोमिन के पास पहुंचता है, जैसे इज़राइल पहुंचता है दो बड़े सरदार उन्हीं के दरमियान दो नौकर, एक जिब्राइल और एक इज़राइल। जैसे उस मोमिन के पास इज़राइल आता है उसका रूह कब्ज करने के लिए, तो अमीरुल मोमिनीन अपने मौला को फरमाते हैं मौला ये बंदा जिंदगी पूरी मुझ अली को ही मानता रहा है, मौला अब इसकी जिंदगी का आखिरी लम्हा है, इसकी रूह कब्ज होने वाली है, मौला जरा जिब्राइल को हुक्म फरमाए ताकि इसके साथ नरमी की जाए। अच्छा ये हुक्म होगा रसूल कायनात का जिब्राइल को, ए जिब्राइल जानता नहीं है ये जिंदगी में अली को मानता रहा है। अल्लाह मैं ठंडे माहौल में बिल्कुल ठंडे ठंडे अंदाज से पढ़कर आपके अंदर की विलायत के समंदर को छोड़िया ना मारवाऊं तो जिक्र अली करने का फायदा ही नहीं है। अच्छा जिब्राइल ये पूरी जिंदगी अली को मानता रहा है, अब इज़राइल को हुक्म दो कि कायनात का सरदार हमारा है, इसका रूह इस तरह से कब्ज करना है ताकि इसको महसूस ही ना हो इस अंदाज से। अच्छा इज़राइल को जो हुक्म रिसालत माब होगा, इज़राइल इस अंदाज से इज्जत और एहतराम के साथ अली के मोमिन का अली के महबूब का रूह कब्ज करेंगे इसे पता ही नहीं चलेगा, तो मैं जुमला कहने का हक रखता हूँ किस तरह अली के मवाली को पता चले कि मेरी रूह इस दुनिया से उस दुनिया में इंतकाल कर रही है कि जिसके सामने अली हो उसे मौत की परवाह ही नहीं है। किस तरह पता चलेगा किबला हमारे सिंध के एक जय्यद जाकिर थे गुलाम हैदर सोलंगी मरहूम, वो पढ़ते थे, उसने एक रुबाई पढ़ी अपने बचपन के जमाने में, आपकी तरह बैठकर मैंने समाअत फरमाई, चार मिसरे अर्ज करने लगा हूं ए मौत के फरिश्ते जरा इंतजार कर, ए मौत के फरिश्ते जरा इंतजार कर, आ रहा है मेरा मौला तू भी दीदार कर, ये जान तुझको दे दूंगा लेकिन एक शर्त है, क्या? पहले याली मदद कर फिर इनके दुश्मनों पे बेशुमार। सलामत रहे आबाद शाद यार। अच्छा जब मोमिन को अपने मोमिन भाई लहद के हवाले करते हैं, हाय हाय किबला तशरीफ फरमाए, मासूम फरमाते हैं तुम्हारे घर तुम्हारे लिए जन्नत, तुम्हारी कब्रें तुम्हारे लिए जन्नत, हत्ता के बस वक्त इतना मुहैया नहीं है जब तक तुम्हारी हल्क में सांस है तब तक उस जन्नत की ज़ियारत नहीं कर सकते। अल्लाह ये मौला फरमाते हैं। अच्छा जैसे लहद में उतार के बंदे को चले गए
अब बंदे के साथ क्या होना है, अल्लाह पाक ये मौला फरमाते हैं कि उसकी कब्र में छह सूरतें आएंगी, छह शक्लें उसकी कब्र, कोई दाएं कोई बाएं, कोई पीछे कोई आगे, कोई पैरों की जाने, कोई सामने, ये पांच शक्लें तो इसे घेर रखेंगी। उसकी वजह है कि इस पर जो अजाब आना है उसे रोकें, यानी इसकी मुदाफियत करें, जिस तरफ से अजाब आना हो उसे रोकें। तो ये पांच सूरतें छठी से अलहदा, पांचों सूरतों से छठी सूरत पूछेगी तेरा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, तवज्जो है जिक्र किया है। मुझे पता है ये धरती अजीम जाकिरों की और अजीम खुतबा की है, आप जिस अंदाज में सुनेंगे मैं राजी हूं, जिस अंदाज में आप सुन रहे हैं मैं राजी, क्योंकि बारगाह जो उनकी करीमों की है उसी में ही हाजिरी है। अच्छा, पांच सूरतों से छठी सूरत पूछेगी तुम्हारा नाम क्या, तुम्हारा तारुफ कौन सा है, कोई किसी की आवाज आएगी मैं इसकी जमाने में नमाज हूँ, किसकी आवाज आएगी मैं इसकी ज़कात हूँ, किसकी आवाज आएगी मैं इसका रोजा हूँ, सबकी आवाज आएगी, सबकी आवाज आएगी। छठी सूरत से ये पांचों मिलकर पूछेंगे है बता तुम्हारी इज्जत भी हमसे ज्यादा, तुमने खूबसूरती भी हमसे ज्यादा, तुम्हारा मकाम भी हमसे ज्यादा, तुम इज्जत में भी हमसे बदल हो, तुम तो बता तुम हो कौन, तुम्हारी सूरत इतनी खूबसूरत क्यों है। तो छठी शक्ल आवाज देगी मैं जमाने में इसके दिल में अली की विलायत, हैदरी हैदरी, मैं जमाने में इसके दिल में जो अली की विलायत थी, तो विलायत अली कब्र में साथ रहेगी, बगैर विलायत किसी की को किसी का गुजारा नहीं। खुदा की कसम अगर आदम से ईसा तक अली की विलायत का इकरार नहीं करते तो वो नबी नहीं बनते, अल्लाह जाने वो मुसलमान मुसलमान कैसे रहता है जो मोहम्मद का कलमा पढ़ के अली का इकरार करता। मैं किसी की कॉपी और रटी हुई मजलिस पढ़ने का आदि नहीं, किताब का हवाला आपके सामने, फवाइद फराइद समते अहले सुन्नत के आलिम दीन की किताब है। वो लिखते हैं कि जब गदीर के मैदान पे पालानों के मिंबर पर मोहम्मद मुस्तफा ने हैदर करार का बाजू बुलंद फरमाया और सरकार ने हुक्म तौहीद से जो मैंने सरनामा कलाम में आए मुबारक का तिलावत फरमाई है उसी में खालिक का हुक्म है कि मेरा हबीब उस वक्त तक ख्वाहिश ही नहीं करता, अपनी मर्जी से बात ही नहीं करता जब तक नुतक नहीं करता, जब तक मैं वही नाजिल ना करूं। यानी मोहम्मद मुस्तफा जाहिरन 63 साल जिंदगी में जितने काम कर चुके कर गए हैं उम्मत को देकर गए हैं वो हुक्म खुदा से, और जिससे रोका है वो भी हुक्म खुदा से। अच्छा, अपनी मर्जी से कोई कलाम नहीं जब तक हुक्म खुदा का ना हो। गदीर पर मोहम्मद मुस्तफा को खुदा का हुक्म हुआ, सूरह बल्लिग यानी आए बल्लिग नाज़िल हुई, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला, ए रसूल पहुंचा वो पैगाम जो तुम पर पहले नाजिल हो चुका है। मैंने किताब का हवाला दिया है इसीलिए ज़हमत के दो चार जुमले आपने बर्दाश्त करने हैं, किताब का हवाला दिया, जो बात करनी है मुझे मैं उसी नतीजे पर आ रहा हूं। ए रसूल पहुंचा वो पैगाम जो तुम पर पहले नाजिल हो चुका है। किला सजाद शाह मौला आपका आवाज उठाकर के आपसे दुआ चाहिए, आप जय्यद सैयद और बुजुर्ग सीनियर तरीन मौला के मदद खान, मौला आपके कलाम में तासीर मजीद अता फरमाए। अच्छा, जो आप पर पहले नाजिल किया गया, जो तुम पर पहले नाजिल किया गया, यानी रसूल कायनात पर पहले नाजिल ही दो चीजें हुई थी, या वो इस्मत के पर्दे में जनाब ज़हरा थी, या मैदान मेराज की रात अली की विलायत। जो पहले रिसालत पर नाजिल हुई हैदरी। अच्छा, जैसे गदीर के मिंबर पर मोहम्मद मुस्तफा ने अली वलीउल्लाह का ऐलान फरमाया, ये बड़ा तवील खुतबा है, वक्त भी नहीं है ना किसी के पास पढ़ने की इतनी जरूरत भी है, कमा को उस अंदाज से पढ़े जिस अंदाज से रसूल ने खुतबा दिया था। अच्छा, जैसे कायनात के सरदार ने वलियों के सरदार का ऐलान विलायत फरमाया, मिंबर से मालिक के मिंबर जमीन पर आए,
अल्लाह अकबर। मैं जुमला कहूं, मिंबर से मट्टी का बाप पहला कदम जब मट्टी पे रखता है तो साहिब फराज समतैन लिखते हैं कि जैसे ही अली मिंबर से जमीन पर आए तो मुसलमानों का पहला और दूसरा खलीफा अल्लाह किताब का हवाला अली के करीब आकर अली के हाथ दस्ते यदुल्लाह पर बोसा भी देते हैं और कहते हैं या अली तो आलमीन के मर्दों और औरतों का सरदार और मौला है। तो विलायत अली के बगैर नबी के सहाबियों का भी गुजारा नहीं, जो कहते हैं कि हम सहाबा को मानते हैं शिया मानते नहीं। मैं चार मिसरे अर्ज करने लगा हूं कि मदीना मोहम्मद का था, दरवाजे बतूल था, जारोब के 350 साल का जलालुल कद्र सहाबी रसूल सलमान मोहम्मद, जारोब कशी में मसरूफ अपनी अजीम तरीन नौकरी में मसरूफ, कुछ बंदे निकले मस्जिद से देखा सलमान को, सलमान वक्त नमाज होता है अक्सर औकात देखा जाता है कि तुम दरवाजे बतूल पे जारो कशी में मसरूफ होते हो, सलमान वजह क्या है, तुम्हें जन्नत का लालच नहीं, तवज्जो है जिक्र जानी, तुम्हें जन्नत का लालच नहीं, तुम्हें जन्नत की ख्वाहिश नहीं, कोई तुम्हारी डिमांड नहीं है, हर बंदा जी रहा है, केवल मैं जुमला दूं, हर बंदा जी रहा है 73 फिरके हैं उम्मत रसूल के, फकत एक को हटाकर 72 की उम्मीद यही है कि हम मरने के बाद जन्नत में जाएंगे, हम मरने के बाद जन्नत में जाएंगे, लेकिन अली की विलायत की कसम इस कौम की कोई ख्वाहिश ही नहीं कि हम मरने के बाद जन्नत में जाएंगे, जन्नत अली की विलायत हमारे दिल में बाज है दरी। सही है ना, हर किसी का इरादा के मरने के बाद ही जन्नत, जो मरहूमीन गुजर चुके या अल्लाह उन्हें माफ फरमाना, जन्नत में आला मकाम अता फरमाना, जन्नत किसी के बाबा की जागीर नहीं हसनैन की जागीर, जन्नत किसी के बाबा की जागीर नहीं, जागीर हसनैन करीमैन है, अब जन्नत में वो ही जाएगा जिनके हसनैन के साथ ताल्लुकात अच्छे हैं, पढ़ते ना खतीब के अबू तालिब के साथ ताल्लुकात, जो हसनैन का मुहिब होगा जन्नत में वही जाएगा। अच्छा ऐ सलमान नमाज नहीं पढ़ते, क्या वजह है, तुम्हें जन्नत में नहीं जाना, सिंध होती तो मैं सिंधी का जुमला कहता लेकिन मुझे पंजाब की नहीं आती मैं। अच्छा सलमान तुम्हें जन्नत में नहीं जाना, क्यों क्या हो गया, हम अक्सर औकात देखते हैं जब नमाज का वक्त होता है तुम दरवाजे बतूल पे, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ये झाड़ू देना, ये झाड़ू देना तुम्हें जेब देता है, वक्त नमाज होता है, हम नमाजी हैं, हमें फख्र है कि हम नमाज पढ़कर जन्नत में जाएंगे, दरवाजे बतूल पर जिसने सजदा किया और दरे आले मोहम्मद पर जिसने सजदा किया, जिसने अपनी पेशानी झुकाई और जिसे खिताब कायनात के रसूल ने दिया, मैंने आयत वही पढ़ी कि अपनी मर्जी से रसूल कोई खिताब नहीं करते ना कोई कलाम करते हैं, यानी अल्लाह का इरादा था ए मोहम्मद इस सहाबी को कहे कि ये सलमान मुझ मोहम्मद की आग में, हैदरी। तो सलमान ने क्या कहा, सलमान ने इनको देखा कि तुम्हें जन्नत का लालच है, तुम जन्नत पे इतरा रहे हो कि हम नमाजें पढ़ के जन्नत में जाएंगे, हम रोजे रख के जन्नत में जाएंगे, और मैं दरे बतूल पे जो झाड़ू कशी कर रहा हूँ मैं जन्नत में नहीं जाऊंगा, तो सलाम सलमान ने उनकी आंखों में आंखें मिलाकर मदीने मोहम्मद के शहर में सहाबी रसूल जलालुल कद्र सहाबी रसूल जनाब सलमान ने कहा, जो चीज तेरे ख्वाब ख्यालों में नहीं आया, जो चीज तेरे ख्वाब ख्यालों में नहीं है, अरे कौसर और जमजम के प्यालों में नहीं है, किस जन्नत की बात करते हो तुम, वो जन्नत जो मेरी दाढ़ी के बालों में पड़ी है, वो जन्नत जो मेरी दाढ़ी के बालों में पड़ी है। इसी हबीब ने फरमाया फातिमतु बज़अतु मिन्नी, यही रसूल फरमा रहे हैं, अपनी मर्जी से नहीं हुक्म खुदा से। अच्छा उठते क्यों थे, आयतुल्लाह काज़िम कज़वीनी अपनी किताब में लिखते हैं कि जब भी जनाब सैयदा दरबार रिसालत माब में आती या हुजरे रिसालत माब में आती, मोहम्मद मुस्तफ़ा एहतराम सैयदा में जो खड़े हो जाते थे उसकी वजह यह बताई है
कि मोहम्मद खुदा का रसूल है, उसको अल्लाह ने आलमीन का सरदार बनाया और सरदार को अपनी खुदाई में देखा कि मुझ अल्लाह के पास इस प्यारे हबीब को देने के लिए अजीम से अजीम तर शय है कौन सी, उसकी जात को ये जेब नहीं देता कि कायनात के सरदार को कोई आम सा तोहफा अता करते, नहीं अल्लाह ने अपनी आलमीन में नजर फिराई, अल्लाह ने अपनी आलमीन में देखा अल्लाह को बतूल से ज्यादा इज्जत आने वाली कोई नहीं आया, तो उस खालिक ने अपने हिजाबों से अपने नूर से मुस्तफा को सैयदा अता की, मुस्तफा को हैदरी। वक्त नहीं है, वाजिबुल एहतराम शख्सियत मौजूद है, वरना जो खैरात मिली दर सैयदा से एक एक इसमें मुबारक एक एक अलकाब जनाब सैयदा का कितनी बरकतों की मालिक है मेरी सैयदादी। हाँ आजादारो दो जुमले मसाइब के पढ़ूंगा क्योंकि बेहतरीन मसाइब खान तशरीफ हमारे मैं सिंध में भी अक्सर इन्हीं अयाम सैयदा में बाबा सिंह दो बीबियों के मसाइब पढ़ता रहा कि एक मदीना की बतूल एक शाम की बतूल, सफेद रीछ बुजुर्ग की आंखों ने वजू कर लिया है यही काफी है रोने के लिए यही काफी है, और अली की इज्जत की कसम जलाल में मोहम्मद बाकिर मजलिसी इमाम से रिवायत करते हैं कि ये आंसू इतना कीमती है जिसकी कीमत नबियों के पास भी नहीं। अल्लाह अल्लाह बीबी आपको कोई गम ना दे सिवाय गमे मसरूम में करवा के, एक मदीना की बतूल एक शाम की बतूल, मदीना की बतूल को बेटों के सामने मारा गया अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह, और शाम की बतूल को भाई सज्जाद के सामने मारा गया अजरकुम अल्लाह अजरकुम अल्लाह। मौला आपकी आवाजों पर रहम फरमाए। हाँ ज़ादरो मदीना की बतूल अपने बाबा के दरबार में गई है, शाम की बतूल शराबी के दरबार में। अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। मदीना की बतूल जब दरबार से खाली वापस घर पहुंची बाल सफेद थे, बेटियों ने नहीं पहचाना, कहा है बुजुर्गा ये हमारी अम्मा की जगह है, ये हमारी अम्मा की मसनद है। जहरा रो के कहती है ज़ैनब पहचान मैं तेरी माँ जहरा हूँ। हाँ मदीना की बतूल के 18 सालों में सर के बाल सफेद हो गए और शाम की बतूल के बाद करबला अपने बाबा की 13 जरबे देखने के बाद सर के बाल। अल्लाह लानतुल्लाह अलैकुम अशरा अलैहि वसल्लम।